नमस्कार दोस्तों, शिव प्रोडक्शन हाउस में आपका स्वागत है। आज की नई वीडियो में बताऊंगा आपको प्लीज डिस्क रीड एरर जो आता है कंप्यूटर में, उसको आप कैसे हटा सकते हैं। मैं रात को कंप्यूटर बंद किया, सुबह को चलाया तो इसमें डिस्क रीड एरर आ रहा था, तो इसको मैंने कैसे सोल्व किया। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी पर मुझे कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला, तो मैंने सीधा सीधा नई एक SSD मंगाई फ्लिपकार्ट से 128 GB की। वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की, SSD वगैरह इंस्टॉल करने की वो वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर आप जा आसानी से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने नई विंडो वगैरह डाल के ऑन किया और बाकी दूसरे वाले SSD पोर्ट में मैंने अपनी हार्ड ड्राइव लगाई। और उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। कंट्रोल पैनल में गया मैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन में जाके उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे जाके मैंने रीस्कैन डिस्क किया, तो मेरी हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क आ गई तो उसमें जो सी वाला था वो पोर्ट जिसमें विंडो डली हुई थी, तो फ्रेंड्स ऐसा हो रखा था कि वो लोड नहीं हो रहा था ना, वो चल रहा था, तो उसे मैंने फॉर्मेट किया। उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी विंडो वगैरह अपनी हार्ड डिस्क में डाल दिया। ये आप देख सकते हैं सारी की सीरी। तो ये